जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको राई यानी सरसों का एक जबरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे सही ढंग से अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, आपके जीवन की सभी समस्याओं का तुरंत ही निवारण हो जाएगा। सामान्यतया हमारे जीवन में कौन सी समस्या होती है? धन संबंधी समस्या या कर्जदारों की समस्या। यानी कि अगर हमारे पास धन का अभाव है तो हमें कर्ज लेना ही पड़ेगा, और कर्ज लिया है तो उसे चुकाने के लिए फिर से हमें धन की जरूरत होगी, जो कि हमारे ना होने की वजह से कर्जदारों के फोन या फिर हमारे घर के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है। तो ऐसे में हमें चाहिए एक सटीक उपाय, जिसकी मदद से हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकें और इन कर्जदारों से छुटकारा पा सकें। अगर हमारे पास धन का अभाव होगा तो ऐसे में रिश्तेदार भी हमसे मुंह चुराने लगेंगे और हमारे जीवन में हर तरफ से संकट हमें घेर लेगा। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, यकीन माने दोस्तों, अगर आप किसी पंडित को 1000 रुपए भी देंगे तो भी वो आपको ये उपाय नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने आपको ये उपाय बता दिया तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। यानी कि वो कभी भी वो उपाय नहीं बताएंगे जिससे कि आप आगे बढ़ें, हमेशा आपको अपने रास्ते से भटका देंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। हम में से ज्यादातर लोग धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सभी पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उसे सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि महीने के अंत में आते आते हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, या किसी न किसी तरह से हम समस्याओं से पीछा नहीं छुड़ा पाते। ऐसे में हम आपको अपने शास्त्रों से बताए गए एक बेहतरीन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके घर पर भगवान कुबेर जरूर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो आपको उपाय क्या करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए, जिसे आपको किसी भी मंगलवार की सुबह कर लेना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार के दिन करेंगे और सुबह के समय में करेंगे। यह उपाय अगर आपने एक बार भी पूरी विधि और विधान के साथ कर लिया तो कारगर साबित होना ही है। तो करना क्या है, सिर्फ इतना सा कि मंगलवार के दिन आपको सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद नहाने से ठीक पहले आपको चाहिए थोड़े से सरसों या राई के दाने। आप थोड़े से सरसों या फिर राई के दाने ले लें, और इसके साथ ही साथ आपको चाहिए एक लोटा जल। ये जल पवित्र होना चाहिए, यानी कि या तो आप गंगा जल ले लें या फिर कोई भी पवित्र जल, जो भी जलाशय या कोई पवित्र नदी आपके आसपास है तो वहाँ से आप जल ले लें। और अगर आपके पास कोई भी पवित्र जल नहीं है तो ऐसे में आप अपने घर के नल से शुद्ध जल भर लें, और जब आप जल भरे उस समय ओम गंगाए नमः इस तरह से आप 5 बार या 11 बार जाप कर लें, और उसके बाद उस लोटे के जल में आपको उन सरसों के दानों को डाल देना है। और सरसों के दाने आपको कैसे लेने हैं, या तो आप 7 दाने लीजिए या 11 दाने लीजिए या फिर 21 दाने लीजिए। सरसों या राई के जो दाने होंगे वो 7 या 11 या फिर 21 इसी तरह से आपको लेने हैं। इससे ना कम लेने हैं और ना ही इससे ज़्यादा लेने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जब आप स्नान करने जाएं तो इस लोटे के जल से ही आपको स्नान करना है, और आपको इस लोटे के जल को धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर से डालते जाना है, और ये भी आपको इसी क्रम में डालना है। इस तरह से उस लोटे के जल को अपने ऊपर डालें कि 7 बार 11 बार या 21 बार में ये लोटे का पूरा जल समाप्त हो जाए। इसके बाद आप चाहे तो साधारण बाल्टी के पानी से आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे दिन लहसुन प्याज का परहेज करेंगे, यानी कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। इसके बाद शाम के समय में आपको चाहिए एक मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए में आप लंबी बाती वाला दिया लगाएं और सरसों का तेल डालें, और सरसों के तेल वाला इस बत्ती वाले दिए को आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें,
और घर के मंदिर में हनुमान जी से यानी कि बालाजी महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, आप मेरे कर्ज की समस्या को दूर करें और धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो मुझे दिखाएं। और ऐसे में जब आप प्रार्थना करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान बालाजी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और आपको ये प्रार्थना करते हुए ही अपने धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें आपको हनुमान जी से कहना है। और आप जानते ही हैं कि घर में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, आमदनी का कोई साधन नहीं है। ऐसे में आपके लिए आज का ये उपाय रामबाण का काम करेगा, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो एक बार आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। ये उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है और इसे आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आसान सा उपाय है, बस आपको लहसुन प्याज का परहेज करना है और सुबह में स्नान करते समय सरसों या राई के दानों को 7, 11 या फिर 21 के क्रम में लेना है। स्नान करें और शाम के समय में आपको बस एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के चरणों में लगाना है। इस आसान से उपाय से आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो कृपा दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर के रास्ते आपके घर के द्वार के अंदर पूरी तरह से खुल जाएंगे। इस उपाय को आप सभी एक बार अवश्य कीजिए, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। आप ऐसा उपाय पूरे YouTube पर किसी भी चैनल पर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अलग उपाय है जिसे मैंने खुद शास्त्रों से पढ़कर आप सभी के लिए लाया है, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कर्ज की समस्या क्या होती है और इससे जो बदलाव है वो भी मैंने देखा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं भगवान बागेश्वर धाम, भगवान बालाजी पूरी तरह से आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी कि अगर आप भगवान बागेश्वर धाम, भगवान बालाजी के चरणों में अपने सभी संकट रख देते हैं तो पूरी तरह से आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो एक बार आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और अगर आपको ये उपाय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे द्वारा बताया गया मार्गदर्शन अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने में, आप सभी के लिए उपायों को लाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ दोस्तों, मैं रोज सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाकर के भी बाकी के सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। सीताराम, राधे श्याम।